तो गाइस ये है अपनी KTM 200 RC 200 बाइक। मैं आपको एक बार इसका वॉक राउंड दिखा देता हूँ। ये ब्लैक और ऑरेंज कलर में आती है। और जहाँ पर हम अभी अवेलेबल हैं ये है मोती नगर न्यू दिल्ली, नियर बाई मेट्रो स्टेशन कीर्तिनगर के पास पड़ता है। और यहाँ पर ये KTM का शोरूम है। अगर आपको टेस्ट ड्राइव लेनी है KTM RC 200 की, फिर आप यहाँ पर एक बार विजिट ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि टेस्ट ड्राइव फ्री होती है। आप टेस्ट ड्राइव लीजिए KTM 200। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस बाइक के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे बड़े साइज में और बहुत ही अलग एक डिज़ाइन में आपको एक बहुत बड़ा वाइजर मिल जाता है। उसके साथ में आपको मिलती है ये फ्रंट की लाइट, जो कि आपको मिलेगी ये एलईडी के साथ मिलती है आपको ये लाइट। और आप वाइजर के ठीक नीचे देखेंगे तो आपको KTM की ब्रांडिंग मिलती है, और साथ में दोनों साइड आपको रियर व्यू मिरर मिल जाते हैं। ये आपको मैं दिखा देता हूँ, ये रियर व्यू मिरर्स हैं। और नीचे की तरफ आपको नंबर प्लेट के लिए यहाँ स्पेस मिल जाता है, यहाँ पर आपका आता है नंबर प्लेट। फ्रंट में आपको टायर साइज मिलता है 110/70/17 PR के टायर्स मिलते हैं। आगे और पीछे आपको ट्यूबलेस टायर्स ही मिलते हैं। और एलॉय व्हील्स आप देख सकते हैं, काफ़ी स्टाइलिश एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं ट्यूबलेस टायर्स के साथ। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं डिस्क ब्रेक, साइड रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं। ये रिफ्लेक्टर्स आपको बेसिकली मदद करते हैं टर्निंग पॉइंट्स पर, वो भी नाइट के टाइम पर। ये रिफ्लेक्टर्स आपको दूर से दिख जाते हैं रिफ्लेक्ट करते हुए, नाइट में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। यहाँ पर आपको फ्रंट में जो सस्पेंशन मिलते हैं WP Apex USD फोर्क 43 mm डायमीटर के साथ आते हैं। और इसमें जो ब्रेक्स होते हैं, फ्रंट में आपको 320 mm फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलते हैं। थ्री इंडिकेटर्स मिलते हैं, वो भी थ्री लाइट्स में आते हैं, वो भी LED में। और साइड में आपको यहाँ पर भी RC 200 की इम्बोजिंग दी गई है इसके अंदर। यहाँ KTM की इम्बोजिंग मिल जाती है अंदर की तरफ से, और यहाँ पर आपको कुछ अलग टाइप की इम्बोजिंग अंदर की तरफ से दी जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी लगती है देखने में KTM की इम्बोजिंग। और साथ में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, साइड में आपको RC 200 का स्टिकर मिलता है। और ये इसका साइड प्रोफाइल, यहाँ पर आप देख सकते हैं KTM की जिस तरह से यहाँ पर स्टिकर दिए गए, काफ़ी अच्छा लगता है देखने में दूर से। और वैसे भी एक ऑफ रोडिंग बाइक है। तो और दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो कि हर पार्ट्स को एकदम अलग तरीके से डिजाइन किया गया है। यहाँ पर ऑरेंज और ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है काफ़ी अच्छा है। और यहाँ आप देख सकते हैं तो KTM जिस तरह से लिखा गया, वो काफ़ी अपने आप में बहुत अच्छे डिज़ाइन। हाँ, इसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं आप चाहें तो। इसके अंदर मिलता है आपको 200 cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड DUSC Fi इंजन, जो कि 72 mm इंटू 49 mm तक बोर और स्ट्रोक जनरेट करता है। इसका 25 PS पावर है 10,000 RPM पर। और KTM RC 200 का लगभग 106 kg कर्ब वेट है। आगे आपको WP Apex कंपनी के सस्पेंशंस मिलते हैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये फ्रंट का जो मैड गार्ड है, इसके साथ ब्लैक कलर का एक गार्ड भी मिलता है पीछे की तरफ से, जो कि एकदम मतलब आप इसे जब ओपन करके अगर मॉडिफाइड करवाना चाहते हैं तो मॉडिफाइड करवा सकते हैं। KTM RC 200 बाइक का जो व्हील बेस है वो 1347 mm मतलब 1347 mm का व्हील बेस है। और इसमें बैक में आपको WP Apex मोनोसॉक गाइज, आपको इसमें MRF कंपनी के टायर्स मिलते हैं। और इसमें जो टायर साइज मिलता है आपको 150/60 R17 साइज के टायर मिलते हैं। MRF कंपनी के ट्यूबलेस टायर्स मिलते हैं इसमें आपको। और सस्पेंशंस की बात करें तो यहाँ पर आपको WP Apex मोनोस्टॉक 10 स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशंस मिलते हैं, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर बात करें तो डिस्क ब्रेक मिलता है। डिस्क ब्रेक में आपको 230 mm रियर डिस्क ब्रेक मिलता है। इसका साइज मैं बता रहा हूँ आपको, तो
और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये इसका इंजन है, जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक इम्बोजिंग दी गई है। यहाँ पर भी आपको रेसिंग KTM का जो एक आप कह लीजिए इम्बोजिंग दी गई है, वो काफ़ी अच्छा लगता है, वो भी ऑरेंज कलर में दे रखा है। और ये आप सस्पेंशन से देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से बिल्ड किए गए हैं। और ये अपना पेडल्स, बाकी ये KTM का रियर प्रोफाइल है। यहाँ पर भी आपको KTM की इम्बोजिंग दी गई है। ये सेफ्टी गार्ड होते हैं बेसिकली, जैसे कोई अगर लेडीज पीछे सफ़र कर रही हैं तो उनकी जो साड़ी है या फिर जो भी ड्रेसेज हैं वो इसके अंदर ना जाने पाए, इसलिए ये सेफ्टी गार्ड्स बहुत ज़्यादा। ये टायर प्रेशर इंफॉर्मेशन दी गई है, साथ में चैन कवर जो सेटिंग आप देख सकते हैं। ये नई वाली KTM है, इसके अंदर आप मॉडिफिकेशन भी करवा सकते हैं यहाँ पर। बाकी ये पिलियन सीट्स देख सकते हैं आप, और ये राइडर की सीट है। साथ में इसके जो टैंक का कलर आप देखेंगे तो वो आपको डुअल कलर में ही मिलता है, जैसे डुअल कलर में बाइक है ब्लैक और ऑरेंज कॉम्बिनेशन में, वो काफ़ी अच्छी दिखती है। इसे हम करते हैं यहाँ पर इंसर्ट और दो बार आप इसको घुमाएंगे तो ये आपके सामने ओपन हो जाएगा इसका इंस्ट्रूमेंट पैनल। यहाँ पर आपको दिखाई देगी स्पीड, टाइम और फ्यूल लेवल, गियर, साइड में आपको ABS और एक यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन लाइट देखने मिल जाती है। साथ में ये आप देख सकते हैं ये है फ्यूल लेवल दिखाएगा, लो फ्यूल वार्निंग्स, ABS, तो ये सारे कंट्रोल्स आपको देखने मिल जाते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट पैनल इंडिकेटर्स दिखाते हैं इसके, ये हैं इसके इंडिकेटर जो कि आपको LED में मिलते हैं ये इंडिकेटर्स। यहाँ पर किल स्विच का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से हम इसे स्टार्ट कर सकते हैं। टोटल किलोमीटर, साइड स्टैंड, ये सभी वार्निंग्स दिखाता है। सीट को ओपन कर सकते हैं की के थ्रू, और इसमें KTM RC 200 की सेडल हाइट है 835 mm, और फ्रेम टाइप जो मिलता है आपको इसके अंदर स्प्लिट स्टील्स ट्रेल्स फ्रेम मिलते हैं, इसको बोलते हैं अपन। ये फ्रेम साइज़ जो आप देख रहे हैं ये इसका फ्रेम साइज है, और इसके अंदर आपको 13.7 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, जिसके अंदर आप एक बार में लगभग 13-14 लीटर तक आप फ्यूल इसके अंदर फुल करवा सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं ये KTM है। कैसी लगी ये बाइक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। KTM RC 200 का ex-showroom प्राइस 2,14,688 रुपीज है, ये ex-showroom प्राइस है। ऑन रोड प्राइस लगभग 2,70,000 समथिंग होगा, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अंदर रोड टैक्स, अदर टैक्स होने की ऐड होने के बाद लगभग 2,70,000 अप्रोक्स पड़ जाती है। ये प्राइस आपको मैं दिल्ली का बता रहा हूँ, अलग अलग एरिया वाइज ये प्राइस कम या ज़्यादा हो सकता है। तो गाइस ये थी अपनी KTM RC 200 ऑफ रोडिंग बाइक, कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।